हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने का सही तरीका क्या है, या फिर क्रेडिट कार्ड को बंद करने के कौन कौन से तरीके हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जिन बातों का आपको पता होगा तो आपका सिबिल स्कोर भी नहीं खराब होगा और आपका क्रेडिट कार्ड भी आप बंद कर सकते हो ईजीली। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड को बंद क्यों करना चाहते हैं लोग, या फिर कोई भी मैं हो गया आप हो गए क्रेडिट कार्ड को बंद क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहला मेन रीज़न एक होता है कि हम कार्ड का यूज़ नहीं करते और बेवजह वो कार्ड आपके पास पड़ा हुआ होता है, इसलिए कि हम लोग सोचते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड को बंद कर लेते हैं, हमें इसका यूज़ नहीं होता। हालांकि हम इसका यूज़ नहीं करते और गलती से कहीं पे गिर गया तो कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए लोग बंद कर सकते हैं। दूसरा एक मतलब इसके पीछे का रीज़न है कि लोगों को लगता है कि भाई ईयरली इसका चार्जेस तो हम भर रहे हैं और इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से भी लोग क्रेडिट कार्ड को बंद करने की सोचते हैं। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न, बहुत सारे लोगों को इसी वजह से क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्या होता है, हम बैंक में जाए या फिर कहीं पे मॉल में जाए या फिर किसी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पे जाए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रेडिट कार्ड एजेंट, बैंक के एजेंट वहाँ पे होते जो ज़बरदस्ती आपको क्रेडिट कार्ड के एक ऐसे बेनिफिट्स बता देते, दबा दबा के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स बता देते और आपको एक क्रेडिट कार्ड चिपका देते, जो कि आप क्रेडिट कार्ड तो लेते हो पर उसका यूज़ नहीं करते, इसलिए लोग सोचते कि भाई क्रेडिट कार्ड को बंद कर लिया जाए, इसीलिए लोग क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहते। तो दोस्तों अब हम जानते कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट होते, जो कुछ क्रेडिट कार्ड पे आपको पॉइंट मिलते हैं उस पॉइंट को रिडीम करना है, जो कि आप किसी वाउचर के रूप में रिडीम कर सकते हो या फिर उसको कैश में रिडीम कर सकते हो। हर क्रेडिट कार्ड के अलग अलग पॉइंट मिलते हैं और हर क्रेडिट कार्ड के पॉइंट को रिडीम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो सबसे पहले उस पॉइंट को आपको रिडीम कर लेना है ताकि आपका नुकसान ना हो। दूसरी बात, आपको क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले कार्ड का पूरा पेमेंट कर देना है। आपको कुछ भी पेमेंट क्रेडिट कंपनी को देने का बाकी नहीं रखना है, चाहे वो 100 रुपये हो या फिर 500 रुपये हो, आपको पूरा का पूरा पेमेंट क्रेडिट कार्ड कंपनी, क्रेडिट कार्ड बैंक को पूरी तरह से रिफंड करना है ताकि आपका सिबिल अच्छे से बना रहे। और एक बात, अगर आपको क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से बंद करना है तो लगभग 20 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले, एक बिलिंग साइकिल आने से पहले आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना पूरी तरह से बंद करना है, ताकि आने वाले बिलिंग साइकिल में आपका बिल पूरी तरह से 0 आए और इजीली आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर सकें। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड को बंद किन किन तरीकों से कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड को बंद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है, आपको आपके बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करना है जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है। कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद वहाँ पे उन लोगों को बताना है कि भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड बंद करना है, मैंने जो कुछ आउटस्टैंडिंग था, जो कुछ पेमेंट था, वो पूरी तरह से पेमेंट आपको रिफंड कर दिया है। तो वो आपसे एक सबसे पहले आपको रीज़न पूछेगी, तो आप साफ साफ रीज़न बता दीजिए आपका, जो कुछ रीज़न होगा कि भाई मेरे को यूज़ नहीं करना है या फिर मुझे इसके बेनिफिट नहीं मिल रहे और मैं इसको बेवजह इसके एनुअली फीस दे रहा हूँ, तो वहाँ पे सामने से शायद आपको ऑफर किया जाए कि इस क्रेडिट कार्ड को हम लाइफ टाइम फ्री कर देते हैं या फिर आपको कुछ वाउचर देंगे, कुछ पॉइंट देंगे। तो अगर आपको उसे कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रख सकते, अदरवाइज उनको बोल दीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा दीजिए। उन्हें ये मत बोलिए कि बस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दीजिए, ब्लॉक करना मतलब क्रेडिट कार्ड कैंसिल करना नहीं होता, आपको साफ साफ बताना है कि भाई हमारे क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से क्लोज कर लीजिए, मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, ना ही मुझे इसकी एनुअली फ़ीस भरनी, तो वहाँ पे उस तरीके से वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका क्रेडिट कार्ड को बंद करने का, आपको जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस बैंक में विजिट करना है, चाहे कोई भी ब्रांच मतलब उसकी हो, कोई भी ब्रांच हो आपके नियर बाय, जो कुछ ब्रांच आती है उस बैंक के, मान लीजिए आपका SBI का क्रेडिट है तो SBI के किसी भी ब्रांच में विजिट कीजिए। एक पेज पे वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख लीजिए कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड कैंसिल करना है, सब्जेक्ट क्रेडिट कार्ड कैंसिल और किस रीज़न की वजह से क्यों आपको क्रेडिट कार्ड कैंसिल करना है। कार्ड का नंबर लिख लीजिए, कार्ड की वैलिडिटी CVV लिखने की ज़रूरत नहीं, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम लिख लीजिए, उन्हें यहाँ पर एक क्लोजिंग फॉर्म दे दीजिए, वो भी आपका कार्ड पूरी तरह से क्लोज कर देगा। यहाँ पे तीसरा तरीका आता है ऑनलाइन तरीका या फिर चैट सपोर्ट का। हर कोई बैंक उनके एप्लीकेशन में चैट सपोर्ट का ऑप्शन देते हैं, कुछ बैंक देते कुछ बैंक नहीं देते। वहाँ पे सर्विस में, कार्ड सर्विस में वहाँ पे कार्ड डिसेबल या फिर कार्ड को बंद करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो वहाँ से बंद कर सकते हो। पर कुछ बैंक के वहाँ से बंद करने से बस आपके कार्ड डीएक्टिवेट होते हैं, पूरी तरह से क्लोज नहीं करते, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप ये तरीके का यूज़ करें। कुछ बैंक का चैट सपोर्ट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे चैट सपोर्ट में जाके वहाँ पे उनसे चैट कीजिए कि मुझे यहाँ पे कार्ड डिसेबल करना है, तो वहाँ से भी आपको कार्ड को
पूरी तरह से डिसेबल, पूरी तरह से क्लोज, पूरी तरह से बंद करके दे सकते। यही कुछ तरीके थे जिनके मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैंसिल क्लोज करवा सकते थे और वहाँ पे आपका सिबिल भी अच्छी तरह से बना रहेगा, ना ही आपका सिबिल खराब होगा। बस ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशनल भरे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने। इससे क्या होगा, मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, इससे मोटिवेट होकर मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।